एक सवाल ये है कि सिंध हुकूमत पर या वैसे कहा जा रहा है कि दहरिया टाउन के मामले में इस मामले में सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सिंध हुकूमत पर, तो उस पर एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिंध गवर्नमेंट आप इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? अच्छा मेरी बात, अच्छा मेरी बात, हाँ मेरी बात सुन ले। हाँ हाँ कल को नुकसान कितना होगा, नंबर वन। नंबर दो, जो लोग एहतियात करने आए थे क्या उनमें से ही लोगों ने आग लगाई या कोई और दूसरे? अच्छा देखें, दो तीन चीजें। ये एक एहतजाज की बात हुई थी, हमें पता था, हमें बताया गया था। इंतजामिया ने जो एहतजाज करने वाली जमातें थी उनसे बात की, उनको फैसिलिटेट किया, उनके लिए जगह बनाई जहाँ पे टेंट लगाए गए, जहाँ पे उनको पानी वगैरह का इंतजाम किया गया, गर्मी का मौसम था, और उनसे ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि जी आप अपने, और हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं, हर एक को एहतजाज का हक है, लेकिन कुछ उसमें जरूर शर्तें होती हैं, वो हर जगह होती हैं। उन्हें कहा गया था कि आप सुपर हाईवे ब्लॉक नहीं करेंगे और उन्होंने ये बात मानी थी, और जब वो आए तो ऐसा ही हुआ, सुपर हाईवे ब्लॉक नहीं किया गया, उन्होंने अपना जलसा किया, मैंने डेढ़ या दो घंटे तकारीर हुई, किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद सुपर हाईवे जब ब्लॉक किया तो इंतजामिया जरूर एक्शन लेगी, और उसके बाद कुछ लोग अंदर चले गए काफी तादाद में, और ये तो वीडियोज मौजूद है, कौन है, शक्लें उसमें मौजूद हैं, कोई छुपी छुपाई बात नहीं है, उन्होंने खुद ही वीडियोज भी बनाई है, अपना कोई अपनी हरकत पे वो पशेमान नहीं है। हम हर एक को हक देते हैं प्रोटेस्ट करने का, और सिंध गवर्नमेंट ने हमेशा फैसिलिटेट किया, मैं खत्म कर लूँ, हमेशा फैसिलिटेट किया है। हमने इवन जो पहले कुछ दिनों पहले टीएलपी वाले मुजाहरे हुए थे, वो भी सिंध हुकूमत ने इजाजत भी दी उनको, लेकिन उसके साथ साथ कंट्रोल भी किया कि कोई नुकसान ना हो। कल वाले उसमें भी कोई, अल्लाह ताला का शुक्र है कि किसी को कोई इंजरी या कोई और नुकसान नहीं हुआ। हाँ अमलाक को नुकसान पहुंचा, आपने कहा क्या डिटेल्स हैं, अभी मुझे नहीं पता, स्लिप मैं खत्म कर लूँ, मुझे नहीं पता, मैं दोबारा कहूँगा। बाकी एमक्यूएम, मुझे हैरत इस बात पे है कि कुछ दिनों पहले कोविड का, आपको पता है मैं इधर भी देखें एहतियात हर जगह करता हूँ, वो कहते हैं कि जी, और आप लोग यह पंजाब में इस्लामाबाद में हैं, लाहौर से भी कुछ लोगों का ताल्लुक होगा, आज से दो तीन हफ्ते पहले लाहौर में कर्फ्यू लाइक सिचुएशन थी, ये सबको पता है, आप लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। किसी ने, पीपुल्स पार्टी वाले ने कहा कि लाहौर का माशी कत्ल हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों की जान बचा रहे हैं, वही एमक्यूएम कह रही माशी कत्ल कर रहे हैं, वो लोगों की जानों की परवाह के बगैर अपनी सियासत चमका रहे हैं। इस केस में भी एक तरफ कहते हैं, ये दोनों बातें करते हैं, एक तरफ कंडेम करें ना उन जमातों को जिन्होंने जाके ये किए, जिनकी सरबराई में ये हुआ है, अगर कोई एक जमात एक ऐलान करती है और उसके लोग नजर आते हैं नुकसान पहुंचाते हुए अमलाक को, आप उन्हें कहेंगे या सिंध हुकूमत को कहेंगे?